जैसा कि मैंने लास्ट टाइम स्ट्रीम में इससे पहले वाली स्ट्रीम में पूछा था, निकाह के ताल्लुक से सवाल था, वली के ताल्लुक से आपने कहा था इंशाल्लाह आप नेक्स्ट स्ट्रीम में जवाब देंगे, शायद आया नहीं जवाब कि अगर कोई लड़की है और उसके जो घर वाले हैं जो भी वली की कैटेगरी में आते हैं वो लोग किसी ऐसे शख्स से निकाह करवाएं जो शिर्क करता हो, बिदात करता हो, सारी चीजें, तो फिर वहां पे लड़की को क्या करना चाहिए? लड़की को मना कर देना चाहिए। लड़की को शरीयत और ने मुकम्मल मुकम्मल हक दिया है, बिला शुबहा, इसमें किसी शक और शुबहा की गुंजाइश नहीं है, ना तो किसी का इख्तिलाफ है कि अगर किसी बददीन लड़के से लड़की की शादी उसके वली करवा रहे हैं तो उस लड़की को इख्तियार है कि वो मना कर दे। ये अलग बात है कि जब तक वो आदमी वो लड़का दायरे इस्लाम के अंदर मौजूद है तब तक वो शादी हो जाएगी अगर वो लड़की राजी हो जाए तो, लेकिन उस लड़की को अख्तियार है कि वो अपने हक का इस्तेमाल करे और वो मना कर दे। और अगर वो मुसलसल मना कर रही है उसके बावजूद जबरदस्ती उसकी शादी करवा दी जा रही है तो शादी सही नहीं मानी जाएगी लड़की की रजामंदी के बगैर, इसलिए उस लड़की को इनकार कर देना चाहिए। और अगर उसके वो अवलिया जो भी उसके अवलिया हैं मुसिर हैं इस बात पर कि अगर तुम्हारी शादी होगी तो उसी से होगी वरना हम नहीं करवाएंगे, अगर इस तरह का उनका इसरार है तो ऐसी सूरत में शरीयत उनके साथ कार्रवाई करती है। और वो कार्रवाई ये करती है कि तुम्हारी विलायत जो है, तुम्हारा मनसब, तुम्हारी कुर्सी, वो तुमसे छीन ली जाएगी और किसी और को वली मुकर्रर किया जाएगा, जो तुम्हारे बाद वली है उसको वली मुकर्रर किया जाएगा। लेकिन ये जो आखिरी बात मैंने जिक्र की, ये काम उलमा का है, कोई आम आदमी बजाते खुद ये फैसला ना कर ले कि फला वली है उसकी विलायत साबित हो गई। अगर इस तरह का मसला दरपेश है तो आप किसी मोहतमद आलिम दीन से रुजू करें, आपके मसले को तमाम बातों को देख करके फिर वो फैसला करेगा कि उस वली की क्या सूरत हाल है, क्या उसकी विलायत के साबित होने का हुक्म साबित किया जाए या ना किया जाए। और इसमें अच्छा सवाल ये मैं था एक कि इजाफे के लिए बता दूं कि ये स्ट्रीम जब आपने सवाल किया था उसके बाद वाली स्ट्रीम में विलायत कब फस्ख होती है, कब बाकी रहेगी, उस पर मुकम्मल स्ट्रीम की गई है। आप उसको देखेंगे इंशाल्लाह आपके सवाल के जवाब वहां पे भी मौजूद है। आपने कहा जी कि वो सवाल के इंशाल्लाह जवाब नहीं उसी दिया गया स्ट्रीम बल्कि से स्ट्रीम की सवाल गई थी ये उसके था। तरफ। जी जी और सवाल ये था इसमें कि अगर लड़की की जो भी वली की कैटेगरी में आते हैं, मतलब जो भी सगे बड़े, अब्बू, चाचा, मामू, नाना, दादा, उसका जो भाई का लड़का, और ये जो सारी, उसमें से कोई भी राजी ना हो कि ऐसे लड़के से निकाह करवाना जो मतलब शिर्क वगैरह नहीं करता, तो उसकी सूरत में लड़की को फिर क्या स्टेप लेना चाहिए? क्या वो निकाह ना करे और सिर्फ इंतजार करे कि नहीं घर वाले जिस दिन करवाएंगे उस दिन की बात है, क्योंकि वली के बगैर निकाह तो नहीं हो सकता है? तो जी बिल्कुल, पहले जवाब देने से पहले मैं एक करेक्शन करूंगा आपके सवाल में। आपने नाना का भी जिक्र किया तो इससे शायद आप ये समझ रही हैं कि माँ की तरफ से जो लोग हैं जैसे मामू या मामू का बेटा या नाना, ये लोग भी वली हो सकते हैं। जबकि बात ये है सही है कि माँ की तरफ से जो लोग हैं वो वली नहीं हो सकते। वली जो भी होंगे आपके अपने खानदान के होंगे, वो माँ की तरफ से जो मामू या नाना वगैरह हैं वो वली नहीं होते हैं। आपने कहा कि उसके जितने भी औलिया हैं सारे लोग मना कर रहे हैं, उसकी शादी नहीं करवा रहे हैं, तो पहली बात तो उनसे बात की जाएगी। ये मसला जब आएगा तो आप किसी मोतमद आलिम दीन को या कोई भी समझदार आदमी जो आपके खानदान को, उसको इन्वॉल्व करके आप उनसे बात करें, क्योंकि उनसे बात करने से पहले कोई फैसला नहीं किया जा सकता। बसा औकात जल्दबाजी में किसी आलिम दीन के पास आप गई, उसने आपकी बात को सुना और फैसला सादिर कर दिया कि वो उनकी विलायत साबित हो गई, जबकि हो सकता है उनकी बात सुनता तो शायद मामला कुछ और होता। तो लिहाजा उनकी बात भी सुनी जाएगी कि वो लोग क्यों मना कर रहे हैं। अगर वो लोग बिला वजह है रुकावट पैदा कर रहे हैं, लड़की की शादी नहीं होने दे रहे हैं, अपनी जाति मकासिद की वजह से लड़की की शादी ताखिर कर रहे हैं, अगर इस तरह की कोई बात है तो शरीयत ने उन तमाम लोगों की विलायत साबित कर दी है। अगर सारे लोग मुसिर हैं उस पर कि लड़की की शादी नहीं कर रहे हैं बिला वजह, तो उनकी विलायत साबित हो जाएगी। लेकिन इसका फैसला लड़की खुद तनहा नहीं करेगी या कोई आम आदमी नहीं करेगा, कोई मोहतमद आलिम दीन जिसको दीन के अहकाम का इल्म है वो सारी बातें सुन करके फिर किसी नतीजे पर पहुंचेगा और उन तमाम लोगों की विलायत साबित हो जाएगी।
अगला सवाल ये है कि फिर वो लड़की की शादी कैसे होगी, क्योंकि बगैर वली के तो शादी होती नहीं है। इसका हल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अंदर मौजूद है कि असुल्तानो वली व मल्ला वली लहू, जिसका कोई वली नहीं होगा तो सुल्तान हाकिमे वक्त उसका वली होगा। अगर आप, जाहिर है हम लोग हिंदुस्तान में हैं, यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि कोई इस्लामी कजा का इंतजाम हो, कोई काजी हो या कोई मुसलमान हाकिम हो, गैर मुस्लिम वली नहीं हो सकता। ये भी ज़हन में रखें कि गैर मुस्लिम मुस्लिम लड़की का वली नहीं हो सकता शादी के अंदर, कोई मुस्लिम ही होना चाहिए। और हमारे यहाँ ऐसा कोई इंतजाम नहीं है। हाँ, मान ले अगर किसी इलाके में दारुल कजा वगैरह का इंतजाम लोग करते हैं, वहाँ कोई काजी है जो लोगों के आयली मसाइल को देख करके फैसले करता है, मुल्क के कानून के दायरे में रहते हुए, तो हम उसकी तरफ रुजू करेंगे और फिर वो वली बनकर के शादी करवाएगा। अगर ऐसा कोई इंतजाम नहीं है तो कोई उसके इलाके का कोई सरकर्दा आदमी जो जिसको एतबार और एतमाद हासिल है और जिसकी बात सुनी जाती है, किसी ऐसे आदमी को पकड़ करके उसको वली बना करके उसकी विलायत में शादी करेंगे। अगर कुछ भी मुयस्सर नहीं है तो कम से कम आपके आस पास कोई आलिम दीन होगा, कोई मस्जिद होगी, कोई इमाम होगा, कोई जिम्मेदार होगा, आप उसके पास जाएं और उसके सामने अपना मसला बयान करें और वो वली बना करके आपकी वली बन करके वो आपकी शादी करेगा। ऐसा नहीं है कि जिस लड़की का कोई वली नहीं है तो फिर उसकी शादी नहीं हो सकती, कोई ना कोई वली बन करके उसकी शादी करवाएगा।